दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होने के कारण एक बार फिर टैक्सी यूनियन व होटल कारोबारियों में निराशा नजर आ रही है। इस दौरान टैक्सी यूनियन का कहना है कि खाने के लिए भी कमाई नहीं हो पा रही है, तेल भराने को पैसे नहीं है, हालत बहुत ही नाजुक है। वैसे तो पिछले वर्ष के 23 मार्च से ही स्थिति खराब है, लेकिन अब कोई और साधन भी नहीं है आय का। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा, या तो पूरी तरह से बंद किया जाए या सुचारू रूप से चलाया जाए, सरकार इस पे विचार विमर्श करें और साथ ही टैक्स आदि में छूट दें। तो दोबारा से जो पर्यटन कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो जिस तरह से टैक्सी व्यवसायों की बात करें या जो टूरिस्ट गाइड हैं उन पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट तो अभी फिलहाल आ नहीं रहा है। बहुत बुरे हाल है जी, लोगों को खाने को पैसे नहीं है, गाड़ियों में तेल पाने के लिए पैसे नहीं है, या तो इसको प्रॉपर बंद कर दें या प्रॉपर उसको खोल दें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है गाड़ी वालों को भी, हर लोगों को भी, ट्रैवल एजेंटों को भी। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से, हालांकि सरकार लॉकडाउन तो नहीं करना चाहती, अगर हालात ऐसे ही रहते तो मुश्किल कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो टैक्सी ऑपरेटर हैं उनको टैक्स भी देना है, किस्तें भी देनी है, पहले भी उन्होंने कम से कम 6-7 महीने तक। बहुत बुरे हाल है जी, मेरे हिसाब से तो इनको खोलना चाहिए, इसको बॉर्डर को पूरे खोलने चाहिए, हर चीज़ खोलने चाहिए, तब जाके सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज बहुत बुरे हाल है किसका, मतलब यहाँ तक कि टैक्सी वाले बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया था थोड़ा सा, अब अभी लोगों ने अपने 31 मार्च वाले टैक्स दिए हैं, उसमें भी कुछ कोई बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं मिला है, कहाँ से अपने टैक्स पूरे करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है इस मामले में, और बहुत बेचारे सभी लोग जो है बहुत दुखी हैं। टूरिस्ट कितना काम आना शुरू हो गया? बिल्कुल, टूरिस्ट तो जीरो है इस समय, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा जी। आज बोला था जो आपसे, वो 16 तारीख से बोला था, तो आज तो बिल्कुल लग रहा है 1% भी टूरिस्ट नहीं है शिमला में। कोरोना के मामले हर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो इसका जो अब पर्यटन कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है, और जिस तरह से सरकार ने जो है टूरिस्टों के लिए खासकर एडवाइजरी जारी की कि कोरोना की रिपोर्ट अपनी साथ लाएं, तो क्या कितना प्रभावित जो है अब दोबारा से जो पर्यटन कारोबार हो रहा है? देखिए जी, पिछले 23 मार्च 2020 से टिल अभी तक पर्यटन कारोबार तो वैसे भी जीरो ही है। जैसे कि अभी पीछे जनवरी दिसंबर के बाद थोड़ा सा काम चला था, ये जो पर्यटक थे ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा मैक्सिमम इन्हीं राज्यों के थे, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात, जो कि जिनको असली पर्यटक जो घूमने के लिए हिमाचल आते हैं काफ़ी लंबे टूर के लिए, वो लोग तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, ना वो पहले आ रहे थे। अब जैसे कि एडवाइजरी जारी की गई है, इस एडवाइजरी का तो कोई मतलब समझ ही नहीं आया है कि होटल वाले उसको चेक करेंगे, होटल वाले चेक करेंगे, ये मतलब बिल्कुल समझ से बाहर, कौन से होटल वाले चेक करेंगे? मतलब होटल एसोसिएशन बोलती है कि हम इसको नहीं चेक करेंगे, मान लीजिए होटल एसोसिएशन चेक भी कर लेती है तो आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि उस आदमी ने उसको चेक किया है? ठीक है, ये सब कुछ तो बॉर्डर में होना चाहिए था, अगर किया ही था तो बॉर्डर में करते कि ठीक है हिमाचल के, जहां हमने इतना टाइम पूरा देख लिया हम 2-3 महीने और देख लेते, क्योंकि देखिए ये साल तो पिट गया। सीजन का जो टाइम होता है 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक रहता है, ये 2 महीने का जो हमारा सीज़न होता है ये बिल्कुल पिट गया है। जो हमारे पास वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र से थोड़ी बहुत सी बुकिंग आई थी, वो हमारी जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, मतलब मैं ये कहूँगा 99% बुकिंग जो है या तो पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो चुकी है मई और जून महीने की। और कोई भी आदमी टेस्ट रिपोर्ट 1000-2000 रुपये का टेस्ट कराएगा और उसके बाद आएगा, तो इतने तो किसी को भी आज की डेट में पैसा खर्च के इतनी काली भी नहीं पड़ी है कि आदमी घूमने के लिए स्पेशली आए, क्योंकि सिचुएशन डे बाई डे खराब हो रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री तो जीरो हो चुकी है और अभी 1-2 साल तक ये इंडस्ट्री नहीं उभर पाएगी, मैंने पहले भी कहा था। और जैसे कि सरकार सिर्फ होटल की बात करती है, होटलियर की बात करती है, क्या टूरिज्म इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंट नहीं आते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री में फोटोग्राफर नहीं आते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री में गाइड नहीं आते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले नहीं आते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ढाबे और रेस्टोरेंट वाले नहीं आते? ओनली होटल्स की बात क्यों कर रहे हैं? होटल तो वीकेंड बहुत अच्छे लग रहे थे अभी पंजाब और हरियाणा के, अभी आने बंद हुए, बाकी अदरवाइज होटल वालों का काम भी मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे तो काम ही नहीं होता, वो भी जीरो ही है। देखिए टूरिज्म बिल्कुल शुरू नहीं हुआ था, ये थोड़ा बहुत सा वीकेंड चल रहे थे जो कि अब जीरो हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में तो बोलना मुश्किल है कि जिस तरह से आंकड़े डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे पहले पड़ा है। और अभी टैक्सी वालों की मैंने बात नहीं की है, कितनी लाखों गाड़ी हैं टैक्सी वाले बेचारे जो कि रोड पे आ चुके हैं, सब खड़े हैं, मतलब कोई सरकार की तरफ से किसी तरह की हेल्प नहीं मिल रही है।
तो क्या लगता है कि जिस तरह से हालात यानी अब ख़राब होने लगे हैं, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर हर रोज़ जो 1,000 जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को भी अब सख्ती बरतनी चाहिए कुछ बिल्कुल बरतनी क्यों? चाहिए जी। देखिए, अगर आप ये सरकार दो किश्तियों में सवार रहती है, ये भी चाहती है कि रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए और हमारे आदमी हिमाचल के बचे भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको वन साइड चलना पड़ेगा, या तो रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, या फिर वन टाइम करो कि अपने यहाँ के जो लोकल आदमी है, हिमाचल के 75 लाख आदमी है, उनको बचाओ। दो में से काम हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये सरकार फंस चुकी है इस टाइम, सरकार के पास पैसे ही नहीं है, सरकार करे क्या है? वो चाहती काम भी आए और लोग बीमार भी ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि या तो फिर पूरे टोटली बॉर्डर सील करो, और या तो फिर क्या नाम अपना पूरा टोटल काम शुरू करो। क्योंकि जो ये मैसेज अभी गया है कि एडवाइजरी चेंज की है, इसका असर जो है पूरे हिंदुस्तान में गया है। हिंदुस्तान की कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं जिसमें ये नहीं छपा, और हमारे को दूर दूर से राज्यों से, दूर दूर प्रदेशों से हमारे को हर रोज़ कॉल आते हैं कि अब क्या किया जाए, कई बुकिंग हमारी कैंसिल हो चुकी है, और मतलब काम जीरो हो चुका है। और ये मैसेज बहुत नेगेटिव मैसेज गया है। और अब इससे देखिए, सरकार भी अगर एक तरफ देखा जाए तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो ये भी गलत बोलना मुश्किल होगा कि, पर सरकार की एक थोड़ी सी गलती है, इसको या तो पूरा 100% बॉर्डर पे चेक किया जाए 7 स्टेटें जो आ रही है, या इसको खोल दिया जाए। तो जिस तरह से वीकेंड है आगे, तो क्या उम्मीद है कि नहीं जी, कोई वीकेंड नहीं चलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप ही है, हम ही है, सरकार ही है, सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या घूमने जा रहे हैं आजकल दिल्ली? वो आजकल घूमने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा है। और पैसा खर्च के, अपना ही पैसा खर्च के लोग ऐशो आराम करने आते हैं, ना कि टेंशन लेने आते हैं कि कब क्या हो जाएगा, कहीं लॉकडाउन लग जाएगा, कहीं कर्फ्यू लग जाएगा, या कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे फंस जाएंगे। तो ये सारी बातें टूरिस्ट सोच रहा है, और टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और मैं आपको पिछले लास्ट ईयर भी मैंने कहा था, ये इंडस्ट्री 2-3 साल तक अभी नहीं खुलती है, और ये बहुत लंबा टाइम भी ले सकती है। तो इसके लिए गंभीरता से सरकार को सोचना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को अगर बचाना है, कोई ये गलत फलत फैसले जो है ना ले। अगर लेना है तो एक सीधा फैसला ले, ठीक है, आदमी वन साइडेड हो जाता है।